एसएचओ का कारनामा देखने को मिला है। एसएचओ मृदुल शुक्ला ने रेप पीड़िता की जबरन तहरीर बदलवाई है। पहली तहरीर में खुद आदेश कर दूसरी तहरीर पर केस लिखा है। दूसरी तहरीर में एसएचओ ने एक आरोपी को घटना का गवाह बनाया है। पुरानी तहरीर सामने आई है। एसएचओ पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एसएचओ से पीड़िता न्याय के लिए अफसरों के चक्कर काट रही है, जहां पीलीभीत के थाना बरखेड़ा में तैनात है एसएचओ। हम स्कूल से जा रहे थे, रास्ते में तभी चार लड़के मिले जो हमें पकड़ के लाए गए। उन्होंने डराया और धमकाया और हमारे छोटे भाई को मारने की धमकी भी दी। फिर थाने गए, तभी हमने जो एप्लीकेशन बताई वो आईसू साहब ने लिखी नहीं। फिर उसके बाद चार घंटे बाद फिर भी ठा गए, फिर लिखवाई एप्लीकेशन जो हमने बताई, फिर भी वो नहीं लिखी और हमारे पापा से साइन करवा लिए। उन्होंने बहुत धमकियाँ दी कि जो हम बोल रहे हैं भाई एप्लीकेशन लिखो। फिर भाई एप्लीकेशन लिखी, उसके बाद मेरे पापा ने साइन कर दिए और उन्होंने कोई बात नहीं मानी हमारी। अच्छा, जो आरोपी थे उनका क्या किया पुलिस में बाद में? उसका उन्होंने एक को मुजरिम बना दिया, तीन को गवाह कर दिया। हमने एप्लीकेशन पढ़ी तो उसमें तीन मुजरिम थे ही नहीं। चारों ने मेरी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मैंने एस एस साहब को शिकायत दी, उन्होंने एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन के साइन, उसके बाद उन्होंने अपनी मोहर लगा के उसे साइन किए। और फिर जब उन्होंने दो तीन घंटा वहाँ बैठा रखा और बैठाने के बाद फिर साइन कराए, फिर एप्लीकेशन लिखी, और इसके बाद फिर उन्होंने हमें परेशान किया और उन्हें ताके बाद फिर तिबारा में साइन कराए। फिर इसके बाद उन्होंने फिर उसमें जो गवाह जो मुलजिम थे उन्हीं को उन्होंने तीनों को गवाह बना दिया, एक को मुलजिम ठहरा दी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हरिपाल हमसे जुड़ चुके हैं। हरिपाल, किशोरी के साथ बलात्कार मामले में एसएचओ का ये कारनामा देखने को मिला है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखे मयूरी, बिल्कुल आपको बताऊंगी, थाना बरखेड़ा इलाके की ये छात्रा, नाबालिग छात्रा, अपने स्कूल से घर लौट रही थी, उसी बीच बताया जा रहा कुछ लोगों ने इसके साथ गन्ने में जबरदस्ती बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। और ये छात्रा अपने पिता के साथ थाने पहुंची और बाकायदा लगभग 11 बजे इसने जब एसएचओ मृदुल खान शुक्ला को पूरे मामले की तहरीर दी और उसके बाद उसी तहरीर पर एसओ ने बाकायदा अभियोग पंजीकृत करने का आदेश भी पारित किया था। और फिर उसके बाद नाबालिग लड़की और उसके पिता को 3-4 घंटे थाने में बैठा के रखा और 4 बजे लगभग एसएचओ ने दूसरी तहरीर टाइप कराई और जबरदस्ती इस जो छात्रा है इसके पिता से हस्ताक्षर करा लिए। बाकायदा साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एसएचओ ने पहली एक एप्लीकेशन में आरोपी जो दो आरोपी तो उनका जिक्र किया, उसमें बाकायदा अपने सिग्नेचर भी किए, उसको मार्क भी किया और अभियोग पंजीकृत करने का एचएम को आदेश भी दिया था। लेकिन उसके चंद घंटों बाद ही जो और आरोपी थे उसको एसएचओ ने गवाह बना लिया और एक आरोपी तहरीर में रखा, उसके बाद जबरदस्ती उसके पिता से सिग्नेचर करा लिए। साफ तौर पर महिला सुरक्षा का दम भरने वाले, चाहे अधिकारियों से बात करें, सरकार की बात करें, जिस तरह से तमाम अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन एसएचओ थाने में बैठ करके महिला सुरक्षा पर कितनी बड़ी सेंधमारी कर रहा है। निश्चित तौर पर दोनों तहरीर होने के बावजूद भी स्पष्ट तौर पर मामला देखा जा सकता कि एसएचओ ने जबरन रेप पीड़िता की तहरीर बदलवाई, उसका प्रमाण भी है, चूंकि एसएचओ ने पहली एप्लीकेशन खुद मार की हस्ताक्षर किए और दूसरी और जो मुकदमा था वो दूसरी तहरीर पर लिख दिया। साफ तौर पर इतना बड़ा खेल एसएचओ का उजागर होने के बावजूद भी इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो मृदुल खान शुक्ला है, इसने बाकायदा जो आरोपी थे उनसे साठगांठ करके इनका नाम निकाल दिया और दूसरी तहरीर में उन्हीं आरोपियों को गवाह के तौर पर उनको बना दिया। अब फिलहाल जो रेप पीड़िता है उसका मजबूर जो पिता है वो अधिकारियों के चक्कर काट रहा है और पूरी जो करतूत है एसएचओ की, उससे जो पीड़ित जो परिवार है वो लगातार अधिकारियों के यहाँ शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस एसएचओ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जिस तरह से रेप पीड़िता जो महिला सुरक्षा की तमाम तरह की अफसर बात करते हैं, महिला संबंधी अपराध में कितनी तत्परता रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस एसएचओ ने अपराधियों से साठगांठ करके एक नाबालिग बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई थी उन अपराधियों को पूरी तरह से बचा दिया और दोनों तहरीर होने के बावजूद। और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। बदायूं में